डिंडोरी पुलिस ने गुरुवार के दिन अवंती बाई चौक पर विभिन्न प्रकार के हथियारों समेत पुलिसिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर सामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। प्रदर्शनी में AK-47 AK-56 समेत अन्य आधुनिक हथियारों को रखकर पुलिस ने कहीं न कहीं अपनी ताकत का एहसास दिलाया है। पुलिस की प्रदर्शनी में शामिल होने पहुंचे स्कूली छात्रों को SP संजय सिंह ने AK-47 गन की खासियत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर डिंडोरी पुलिस के द्वारा 10 दिवसीय झंडा दिवस मनाया जा रहा है। इन 10 दिनों के दौरान पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज डिंडोरी पुलिस ने बस स्टैंड स्थित अवंतीबाई चौक पर विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों एवं पुलिसिंग उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई थी। प्रदर्शनी में SDRF के जवानों ने आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को भी शामिल किया था एवं SDRF के जवानों ने स्कूली छात्रों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के गुर सिखाए। नक्सल प्रभावित डिंडोरी जिले में प्रदर्शनी के दौरान पुलिस के द्वारा हथियारों समेत अन्य उपकरणों को रखा जाना पुलिस की ताकत और मुस्तैदी के तौर पर भी देखा और समझा जा सकता है। आज हम पुलिस झंडा दिवस पे यहाँ पर आए हैं। हमको बहुत सुंदर मतलब हम लोग यहाँ प्रस्तुति किए हैं तो हमें सर शाबाशी दिए हैं और हमें इतने सारे हथियार दिखाए हैं जो हम जानते भी नहीं थे। उनके बारे में हमें अच्छे से बताए कि मतलब इससे ये होता है करके तो हम लोग अच्छे से मतलब कभी भी हमारे भविष्य में अगर हम ये चीज बन सकते हैं तो हमें ये याद रहेगा कि वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस दिया गया था तो हमें सर ये बताए थे ऐसा करके कुछ हमें याद रहेगा तो हम उस चीज को फिर से मतलब अपने मतलब जो हमें नहीं आएगा वो हम उस चीज को याद करके हमें वो आ जाएगा। और सब मतलब हम पुलिस अफसरों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें इतनी सारी चीजों के बारे में बताए और ज्ञान दिए। धन्यवाद। ये पूरे प्रदेश में विभाग की तरफ से झंडा दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा था और इसी के अंतर्गत आज हमने हथियारों का प्रदर्शन और जो आपदा प्रबंधन में SDRF की भूमिका रखी है और उनसे जो उपकरण होते हैं उनका प्रदर्शन किया था और इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल के बच्चों को आज जनता को जानकारी और इसमें बहुत सारे प्रश्न और उत्सुकता बच्चों की थी उनका मौके पर जवाब दिया गया और इन प्रदर्शन में भी जारी AK-47 के बारे में स्पेशली तौर पर बताया गया ये आज की तारीख में बच्चे न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं और AK-47 जो है बड़ा लोकप्रिय और बहुत उपयोग किया जाने वाला हथियार है। आज की तारीख में आतंकवादी और अन्य जो सुरक्षा बल है वो भी इसे बहुत उपयोग करते हैं तो ये हथियार ज़्यादा दिखाई देता है। बच्चों को भी इसके बारे में उत्सुकता थी तो उसका बताया गया उसकी जानकारी दी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए डिंडोरी से दीपक नामदेव की रिपोर्ट।